ओके ओके, एक काम करते हैं कि बारी बारी अंदर जाते हैं और एक एक को मारते जाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ आ जाओ, कौन आ रहा है? ओए आ गया एक, एक आ गया, एक आ गया। सर आप लोगों को छुड़ा लिया मैंने, अब मुझे थैंक यू बोल सकते हो। सर थैंक यू तो बोल दो, अरे थैंक यू बोल दो। तो मैं आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम खेलेंगे स्काई ब्लॉक चैलेंज का पार्ट 3। और आज के पार्ट में हमने क्या करना है कि विलेजेस को बचाना है, वो भी दुश्मन से। तो आज हमने कुछ ना कुछ विलेजेस को बचाना है, वो बचाना है हमें वहाँ से। लेकिन यार आखिर में जाके हमें यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए और मेरी तैयारी अभी इतनी अच्छी नहीं है। तो आज हम जाएंगे वहाँ पे हमारे कुछ विलेजेस हैं जो कि दुश्मन के कब्जे में है, तो वहाँ से हमें अपने विलेजेस को बचाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी कबल स्टोन थे सारे के सारे मैंने हटा दिया, जिसकी वजह से मुझे कुछ फ्लिंट और बाकी कबल स्टोन वगैरह मिल गए हैं, तो वो हमारे आगे काम आने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पे ये आयरन भी पड़ा है और एक यहाँ पे चेस्ट भी पड़ा है। लेकिन इस चेस्ट में क्या है? तो इस चेस्ट में ना ये आयरन है और यहाँ पे एक एक्स है, वो भी डायमंड की। ये मैं एक चेस्ट में पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन अभी दोबारा फिर से देख लो तो थोड़ी सी हमारी तैयारी हो जाएगी। तो चलो अभी हमें यहाँ से इस आइलैंड से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऊपर तक जाना है हमें, तो चलो ऊपर तक चलते हैं और दूसरा आइलैंड तक पहुँचते हैं। तो यहाँ तक तो आ गए हैं, तो एक काम करते हैं इस चेस में जो सामान पड़ा है ना उसको भी लेके जाते हैं। तो इस चेस में हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लिंट मिलते हैं और एक शीप का एग मिलता है और हमें काफ़ी ज़्यादा गाजर मिल जाते हैं और वो भी मिल जाता है। तो शीप का हमारे पास यहाँ से एक एग यहाँ से मिल जाता है, एक हमें ऊपर मिला था, तो दो एग हो गई हैं। तो हम मतलब शीप की पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें ब्रेड भी मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा खाना भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपने सामान को रखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये भरा हुआ है, हमें दोबारा से चेस्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें वापस से प्लैंक्स चाहिए, एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे रखो। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें मिल जाएगा चेस्ट। तो ये मिल गया मुझे चेस्ट, ठीक है। तो ये चेस्ट मिल गया, इसको रखते हैं यहाँ पे। लेकिन ये क्यों बीच में आ रहा है? ठीक है, ये चेस्ट में अपना सारे सामान को रखते हैं। हमें सिर्फ शीप एग चाहिए ताकि हम शीप की पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। तो दूसरा एग यहाँ पे होना चाहिए, बाकी आइलैंड में अगर नहीं है तो दूसरा एग यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे नहीं हुआ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो ये मिल गया दूसरा शीप का एग, यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, तो दो शीप के एग हो गए हैं, तो इसका मतलब है जोड़ी बन जाएगी। तो लास्ट हो गया यहाँ पे, तो एक और रहती है वो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पूरा ढक गया है, एक यहाँ पे भी लगेगी, तो ये पूरा ढक गया। तो अब इसके बीच में हम अभी सिंपल एक को लो और फेंको, तो ये दूसरा भी आ गया। तो जोड़ी तो बन गई है, लेकिन अभी ये बच्चे नहीं देंगे, वो इसलिए क्योंकि इनको खाना चाहिए और खाने के लिए हमें चाहिए घास चाहिए या वीट सीड चाहिए। तो वीट सीड तो हमारे पास सिर्फ एक ही पड़ा हुआ है, वो उस आइलैंड पे पड़ा हुआ है, सिर्फ एक ही है यार। एक से मैं इतने सारे घास कैसे बनाऊँगा? अभी मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से ना ये वीट सीड को उठा लेता हूँ और इसको उगा लेते हैं। यार मैंने काफ़ी ढूंढा है, हमारे पास दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, हमें ये वीट सीड को ही उगाना पड़ेगा। मैंने दूसरे आइलैंड पे भी गया था जहाँ पे मैंने सोचा क्या पता मुझे दूसरा वीट सीड मिल जाए, नीचे वाले आइलैंड पे गया था, लेकिन कुछ नहीं मिला क्योंकि वहाँ काफ़ी घास थी, लेकिन घास में से एक भी सीड नहीं मिला। प्रॉब्लम ये है कि अब एक ही है मेरे पास वीट सीड एक ही है, तो वो उगाना पड़ेगा। वो बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद उससे हमें घास भी मिलेगी और वीट सीड भी मिलेगी, तो दो वीट सीड मिलेंगी। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और होए बनाने के लिए हमें वापस से लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। तो इनको कुछ को काट लेते हैं और फिर मैंने बनानी है एक होए इसलिए बनानी है क्योंकि वीट सीड को अगर लगाना पड़ेगा तो वो नॉर्मल डर्ट पे काम नहीं करता, उसको अलग से एक डर्ट आती है उस पर हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें होए चाहिए, तो हमें होए चाहिए। अभी तक ये मिल गया, तो वुडन होए हमें मिल गया, तो ठीक है हम वीट सीड को लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लगाने वाला, मैं लगाने वाला हूँ दूसरे आइलैंड पे। अभी मैं लगाऊँ कहाँ पे? यहाँ पे पानी है तो यहाँ पे लगाना चाहिए मुझे, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे लगा लेते हैं, अभी यहाँ जगह नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि एक ही वीट सीड है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ठीक है यार,
ओके, तो अभी जब तक वो बड़ा हो जाता है हम एक काम करते हैं, चारकोल बना लेते हैं। तो चारकोल के लिए भी वापस से इसको रख लेते हैं। तो ठीक है, ये बनेगा, आराम से बन जाएगा। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे वीट पड़ा हुआ है। चार वीट हमारी बची हुई थी जो नहीं मिल रही थी, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दफ़ा बच्चे पैदा करवा सकते हैं। अभी बच्चा पैदा करने के लिए इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, अब दोनों में प्यार होगा। और ये छोटा सा बच्चा आ गया एक छोटा सा बच्चा आ गया। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 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 दो हमारे पास हैं घास, तो इसको रख लेते हैं यार। ये हम खोना नहीं चाहता, मैं इसको खोना नहीं चाहता। तो अभी एक काम करते हैं ना, हमें चाहिए कुछ खाने को, और खाने को भी कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसको ही ले लेते हैं, और लेते हैं ये अंडों को। इन अंडों को भी निकालते हैं, इनसे मुर्गियां निकालते हैं। यार टाइम के साथ ये मुर्गियां भी बनती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, और हमें खाने को भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो एक तो मिल गया है, दूसरा भी मिल गया, जोड़ी बन गई है। ठीक है, और तीसरा 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 नहीं है, सिर्फ दो ही मिले हैं। चलो ये दो बड़े हो गए तो भी हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, अब टाइम आ गया है अपने विलेजेस को बचाने का। बहुत हमने कर लिया, अब हमें और वेट नहीं करना, हमें विलेजेस को बचाना ही पड़ेगा। और मेरे पास थोड़े से कबल स्टोन है जिनको मैं स्लैब्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े से हैं तो मुझे बहुत सारे कबल स्टोन चाहिए, इसलिए मैं इनको स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये क्या करेगा कि हमें दूसरे आइलैंड में जाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ से ना स्लैब्स को लगाते जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है, और रुकना नहीं है। ठीक है, अभी बस पहुंच गए, अभी बस पहुंच गए, ये पहुंच गया। ओके 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 ओके, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो कि अभी यहाँ से इसको नीचे लिख कराओ। ओके, अभी ये काम करते हैं कि यहाँ से ऊपर जाते हैं। लो, मैं पहुंच गया। मैंने फिर से एक गलती कर दी, वो ये करती कि मुझे पिकेक्स को लाना चाहिए था यार, पिकेक्स को लाना चाहिए था। वो पिकेक्स भी मैं नहीं लेकर आया। और दूसरी गलती मैंने ये कर दी कि अभी रात है, देखो रात है, तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि मुझे तलवार चाहिए, मुझे चाहिए हेलमेट वगैरह चाहिए, आयरन की हमारे पास जो पड़ी थी वो चाहिए। तो सुबह का वेट करते हैं। ठीक है, चलो ऊपर चलें, ऊपर चलें। ये क्या है यार, ये अजीब सी चीज़ें क्यों हैं यहाँ पे? ये मारेगा तो नहीं इसको? मैंने लावा में देखा था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, ये अजीब सी चीज़ें, ये मार नहीं रहे मुझे, ये क्या चीज़ें हैं? और अंदर क्या है? ओ शिट, अंदर अंदर वो दुश्मन है। अरे अंदर दुश्मन, अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी। मुझे यहाँ से तीर भी मिल गई, और कुछ मिला? और यहाँ पे तो ये क्या है, ये तो लकड़ियाँ हमें मिल रही हैं। ओके ओके, एक काम करते हैं कि बारी बारी अंदर जाते हैं और एक एक को मारते जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ आ जाओ, कौन आ रहा है? ओ ए आ गया, एक एक आ गया, एक आ गया। अरे अरे यार, इसको 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 आग आग असर कर रही है, तभी ये अंदर घुसे हुए थे। मतलब मैंने ठीक किया ना, मैं मतलब रात को नहीं आया, अगर मैं रात को आता मैं मर जाता। ये उनको बाहर निकाल के मार सकते हैं ना, आसान है आसान है, इनको बाहर निकालते हैं। अरे तू सर वापस चला जा, प्लीज़ वापस जा। कितने अजीब हैं, एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, वो ऑपरेट कर रहे हैं। सर आप वापस चले जाओ प्लीज़, हमें लड़ने दो। आ जा आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। कहाँ गया? ओहो, इनको इनको सिक्योरिटी के लिए इनको रखा है ना, हमारे विलेजेस को इन्होंने बंद किया है। ये कोई इन्होंने बंद नहीं किया, इन्होंने इनको बस ऐसे रखा हुआ है ताकि विलेजेस भाग ना जाए। ठीक है, अभी कहाँ हो? सारे गए ना, अभी एक रह गया। हाँ सही है, अभी सारे चले गए मेरे ख्याल में, सारे चले गए सारे चले गए सारे चले गए। यहाँ पे और कोई नहीं है, इसको तो वापस लो, ये वापस इसको भी नहीं ले सकता मैं, वरना मेरे काम आ जाता। ओ माय गॉड, मेरे विलेजर्स को जेल में बंद किया हुआ है, इसको मुझे निकालना पड़ेगा, अपने विलेजर्स को बचाना पड़ेगा। मुझे एक काम करना होगा कि मुझ ओ हो, इलेक्ट्रा इलेक्ट्रा मिल गया मुझे यहाँ से। ओ गॉड,
ये हमारे काम आएगा, इलेक्ट्रा हमारे बहुत काम आने वाला है, लेकिन अभी अभी मुझे क्या चाहिए, पिकेक्स चाहिए मुझे पिकेक्स, अभी मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता, मैं एक काम क्यों नहीं करता कि पिकेक्स खुद बना लूँ जहाँ पे, तो लकड़ी तो यहाँ पे है ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इस लकड़ी से क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक पिकेक्स बनाएंगे ठीक है। ये क्राफ्टिंग टेबल बन गया और पिकेक्स बन गया हमें वापस जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ठीक है। तो एक काम करो कि अपने दोस्तों को जेल से छुड़ाते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ, प्लीज़ अब निकल आ जाओ, मुझे पता है तुम्हारे साथ उन्होंने क्या कुछ किया होगा, पता नहीं क्या किया मेरे दोस्तों के साथ इन्होंने, सर आप लोगों को छुड़ा लिया मैंने, अब मुझे थैंक यू बोल सकते हो, सर थैंक यू तो बोल दो, अरे थैंक यू बोल दो, अरे थैंक यू तो बोलो, कोई थैंक यू नहीं बोल रहा यार, एहसान फरामोश, सबके सब गद्दार हो, तुम लोगों को छुड़ाया फिर भी, सर थैंक यू तो बोल दो। ओह यहाँ पे एक चेस्ट है, यहाँ पे भी एक चेस्ट, ओ माय गॉड डायमंड की चीजें मिली है मुझे यहाँ पे, खाने की भी चीजें मिल गई है, मतलब टाइम के साथ हमारी तैयारी भी होती जा रही है ना, हम अपने बाकी दोस्तों को भी बचा सकते हैं। आप यहाँ पे क्या, अरे इसको अगर मैं मार दूँ तो कुछ हमें मिलेगा क्या, क्या था, अच्छा सही समझ गया ठीक है, तो इसको मार देते हैं के, अरे ठीक है ये क्या मिला, स्ट्रिंग मिला मुझे, अब स्ट्रिंग का मैं क्या करूँगा। चलो हम जा रहे हैं वापस, हमें काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल गई हैं, काम की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल गई हैं, और मुझे इलेक्ट्रा भी मिल गया है, लेकिन एक मिनट मैं इलेक्ट्रा लिया है मैंने, अरे यार मैंने इलेक्ट्रा को उठाया भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा था, मुझे वापस जाना होगा इलेक्ट्रा को उठाने लेके उठाना होगा मुझे वापस से ठीक है। आप लोग यहीं घूमते रहो, जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ इलेक्ट्रा वलेक्ट्रा जो भी कुछ मिलता है उसको उठा के लेके जा रहा हूँ। ओके इलेक्ट्रा के लिए भी एडवांस मोड आ गया है, वाओ यार अभी बहुत कुछ मज़ा आने वाला है, इनको तो बचा लिया, हमें बाकी दोस्तों को भी बचाना पड़ेगा और बहुत कुछ आगे चल करना पड़ेगा। अभी जैसे ही रात होने वाली है तो एक काम करेंगे, सुबह होगी तो इलेक्ट्रा का भी यूज़ करेंगे और उड़ेंगे और देखेंगे कि आसपास कौन से आइलैंड है और कहाँ कहाँ हमें जाना चाहिए। तो दोस्तों टाइम आ गया है हमें उड़ने का, हम उड़ेंगे और आसपास जितने भी आइलैंड हैं उनका भी विजिट करेंगे ठीक है। तो चलो उड़ते चलेंगे मस्त गगन में, उड़ गया ओ माय गॉड उड़ गया ओहो यहाँ पे कुछ नहीं है सिवाय ये आइलैंड्स के अलावा, ओ माय गॉड इस आइलैंड पे हम नहीं गए थे ना, मुझे दूर से ही नज़र आ गया था यहाँ पे पानी है, ये देखो पानी ही पानी है और सैंड है, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं गया यहाँ पे, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी पानी और बर्फ़ है, ओए बर्फ़ में हमारा कोई काम है, यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा क्या, यहाँ पे तो कोई चेस भी नज़र नहीं आ रहा मुझे, ये पता नहीं मारेंगे तो नहीं, ये सुनो मैंने, ओ सर जी मारना नहीं हमें ठीक है, अभी ये बेचारे हमें कुछ नहीं कह रहे, तो हम जा रहे हैं आगे और कौन कौन से आइलैंड हैं, एक तो ये पड़ा है इसमें पता नहीं अजीब सा जानवर है, और यहाँ पे दुश्मन है जिससे हमें लड़ना है, और भी बहुत कुछ करना है हमें यार, बहुत से आइलैंड है यहाँ पे जिनको हम पूरी तरह विजिट भी नहीं कर सके, इतने ज़्यादा हैं ख़त्म ही नहीं होंगे, ओ गॉड। तो यार चलो यार अपने गेम को भी एंड करते हैं, आई होप यार तुम्हें मज़ा आया होगा, मैं भी देखता हूँ कि मैं कौन कौन से आइलैंड में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में जा सकता हूँ, उसमें हम जाएंगे और अपने गेम को एंड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल IM खलील को, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। तो ये अजीब सा आइलैंड है ना ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, बाय।